आज से कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंगस्टर कहे जाने वाले अर्शदीप डल्ला, जो इस वक्त कनाडा में है, उसका एक सोशल मीडिया पर ऑडियो इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने की बातें कह रहा था। आज उस गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को लेकर कनाडा से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अर्शदीप डल्ला अब गिरफ्तार हो चुका है और बहुत जल्दी ही उसे भारत लाया जाएगा। कहा जाता है कि अर्शदीप डल्ला लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर है और वो हाल ही में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर का राइट हैंड भी कहा जाता है। तो कौन है अर्शदीप डल्ला, जिसने अब से पहले पंजाब में एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, जिसे पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस कई सालों से कोशिश कर रही थी। आज के इस वीडियो में बताएंगे गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला के बारे में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। कनाडा में हाल ही में हुई गोलीबारी के मामले में रविवार को कनाडाई पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला भारत सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। इसके साथ ही वो दिल्ली और पंजाब पुलिस की लिस्ट में वांछित अपराधी है। पंजाब के मोगा के डल्ला गांव में जन्मे अर्श डल्ला पर हत्या और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। कनाडा पुलिस की गिरफ्त में आया आतंकी अर्श डल्ला कई भारत विरोधी वारदातों में शामिल है। साल 2020 से भारत से फरार चल रहा था, तभी से वो कनाडा में शिफ्ट हुआ था। अर्श डल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। अर्श डल्ला देश के बाहर से भारत के खिलाफ अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF से जुड़ा हुआ था, जिसका मुखिया खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला का जन्म साल 1966 में पंजाब के डल्ला गांव में हुआ। वो साल 2020 में भारत से भागकर कनाडा गया, जहां पर वो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था, जबकि उसके माता पिता पंजाब के डल्ला गांव में रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अर्शदीप डल्ला को कनाडा के ओंटारियो में फायरिंग की घटना के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गोलीबारी की यह घटना पिछले महीने 24 अक्टूबर की है। वो प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है। वो पिछले साल जून में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ओर से आतंकी मॉड्यूल ऑपरेट करता है। आतंकी अर्शदीप डल्ला जांच एजेंसी NIA द्वारा दर्ज कई मामलों में आरोपी है। उस पर हत्या, आतंकी फंडिंग के लिए पैसे इकट्ठा करने, हत्या की कोशिश, सांप्रदायिकता फैलाने और पंजाब में आतंक कायम रखने समेत कई गंभीर आरोप हैं। भारत सरकार ने पिछले साल जनवरी में अर्शदीप डल्ला को आतंकी घोषित किया था। इसके साथ ही वो पाकिस्तान की ISI के संपर्क में था। इसके जरिए वो सीमा पार बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 के धारा 35 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक अर्शदीप डल्ला की गैंग में 700 से ज्यादा सक्रिय शूटर हैं। उसका गैंग कनाडा और भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक्टिव है। यह पंजाब से युवाओं को बहला फुसला कर कनाडा भेजने के बहाने कई अपराध करवाता है। अर्शदीप डल्ला पर नवंबर 2020 में भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा के सदस्य मनोहर लाल की हत्या का आरोप है। अगर उसके आपराधिक इतिहास पर नजर डालें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। लॉरेंस पर 58 मामले दर्ज हैं, जबकि अर्शदीप डल्ला पर देश विरोधी कृत्यों के कई मामले दर्ज हैं।